हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। टुडे आई टीच यू हिंदी सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चित्र के नाम के पहले अक्षर को लिखो और समान अक्षर का मिलान करो। आज हम ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, हम वर्णमाला, वर्णमाला में स्वर व्यंजन, स्वर। तो सबसे पहले हम स्वर को पढ़ेंगे, फिर व्यंजन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे साथ स्वर बोलने हैं। अ आ ई ई उ उ री ए ऐ ओ औ अम अह। फिर दोबारा बोलते हैं, अ से अनार, आ से आम, ई से पढ़ने हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, न च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, न त से टमाटर, ठ से ठटेरा, द से डमरू, ड से ढक्कन, न त से तरबूज, ख से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, व से बतख, भ से भालू, म से मछली, य से यक, र से रथ, ल से लड्डू, व से वकील, श से शलजम, स से सतकोण, स से सपेरा, ह से हल, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ग से ज्ञानी। तो दोबारा हम व्यंजनों को पढ़ेंगे। क ख ग घ न च छ ज झ न त ठ ड ड न त थ द न प फ ब भ म य र ल ब श स स ह श त्र ग। तो इस प्रकार से हमने स्वर और व्यंजन दोनों को पढ़ा। अब हम व्यंजनों के आधार पर चित्र के नाम के पहले अक्षर को लिखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ कुछ चित्र बनाए हुए हैं जो व्यंजन से ही संबंधित है। आज हम व्यंजनों से ही संबंधित इन चित्रों को पहचानेंगे और फिर हमें चित्र के नाम के पहले अक्षर को लिखना है। तो आप बताओ बच्चों, ये चित्र किसका है? बताओ, किसका है ये चित्र? झ, झ से झंडा, झंडे का चित्र है ये। तो झ से क्या होता है? झंडा। झ से क्या होता है? झंडा। तो हम इस झ को यहाँ लिखेंगे, झ से झंडा। दूसरा चित्र किसका है हमारा? देखो, किसका चित्र है ये? जग। किसका चित्र है? जग, ज, ज से जग, ज से जग। ये किसका चित्र है? बताओ, किसका चित्र है ये? पहचानो, किसका चित्र है? छाता, छाता, छ से छाता। इस छ से क्या होगा? छाता, छ से छाता। ये किसका चित्र है बच्चों? बताओ, गमले का। किसका चित्र है? गमला, ग से गमला, ग से गमला। बच्चों बताओ, ये किसका चित्र है? बताओ, किसका चित्र है? आप सबके घर को दी गई किसका चित्र है जिसमें हम समय देखते हैं? घड़ी, घ से घड़ी, घ से घड़ी।
ताब, क से ताब, क से आब। अच्छा तो बताओ ये किसका चित्र है? च से चम्मच, च से चम्मच। बताओ ये किसका चित्र है? धनुष। किसका चित्र है? धनुष, ध से धनुष, ध से धनुष। बताओ जो ये किसका चित्र है? ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर। बताओ बच्चों ये किसका चित्र है? न से नल का चित्र। तो हमने यहाँ क्या लिखा? न से नल, न से नल। अच्छा बताओ ये किसका चित्र है? आप सबने देखी है ना ये किसका चित्र है, पहचानो। पतंग का। किसका चित्र है? पतंग, प से पतंग, प, प से पतंग। अच्छा बताओ ये किसका चित्र है? मछली, म से मछली, म से मछली। अच्छा बच्चों बताओ ये किसका चित्र है? किसका चित्र है पहचानो? थर्मस, थ से थर्मस, थ से थर्मस। अच्छा बताओ ये किसका चित्र है? बतख, ब से बतख, ब से बतख। अच्छा बच्चों बताओ ये किसका चित्र है? बताओ किसका चित्र है? लड्डू, ल से लड्डू, ल से लड्डू। तो इस प्रकार बच्चों हमने चित्र देखकर चित्र देख के नाम के पहले अक्षर को लिखा। तो अब हम करेंगे समान अक्षर का मिलान करो। तो स्टूडेंट्स नए यहाँ व्यंजन लिखे हुए हैं, यहाँ भी व्यंजन लिखे हुए हैं, तो हमें समान व्यंजन से समान व्यंजन को मिलाना है। तो आपको मैं ये व्यंजन पढ़ के बताती हूँ। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। ऐसे ही यहाँ लिखे हुए हैं ख, ग, क, छ, ग, झ, च, ज। तो हमें क्या करना है? समान अक्षर का मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ क लिखा हुआ है, समान अक्षर। समान अक्षर का मतलब है कि समान यानी क से क को मिलाना है, समान अक्षर को समान अक्षर से मिलाना है। तो क से किसको मिलाना है? समान, क का जैसा ही है यहाँ पे, तो क को क से मिलाना है। तो हमने क्या किया? समान अक्षर को समान अक्षर से मिलाएंगे। तो क को क से मिलाया। व्यंजन है ख, ये क्या है? ख। और ख को किससे मिलाना है? समान ख से मिलाना है, वो ख। तो हमने ख को ख से मिलाया। ग, अब देखो ग कहाँ है इस लाइन में? यहाँ। अब ग को किससे मिलाना है? ग से मिलाना है, ग को ग से मिलाना है। घ, अब घ को किससे मिलाना है? घ को भी समान अक्षर से मिलाना है, घ को घ से मिलाना है। च, च को किससे मिलाना है? च से, च को च से मिलाना है। छ, अब देखो छ का है इस लाइन में, छ को छ से मिलाना है। ज, अब ज को किससे मिलाना है? ज को ज से मिलाना है। झ, देखो इस लाइन में झ, यहां तो हमने झ को झ से मिलाया। इस प्रकार ट, ट को किससे मिलाना?
नौ को किससे मिलाना है? नौ को न से मिलाना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने व्यंजनों की सहायता से चित्र के नाम के पहले अक्षर को लिखा और समान अक्षर का मिलान किया। तो आप सभी को ये चित्र के नाम के पहले अक्षर को समान अक्षर का मिलान करो, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप सभी को अपनी हिंदी की नोटबुक में ये चित्र के नाम के पहले अक्षर को लिखो और समान अक्षर का मिलान करो, ये वर्क आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है।